कहानी शुरू होती है और हमें ल्यूक नाम के इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक यॉट सेलर होता है। उसे अपनी एक यॉट इंडोनेशिया पहुंचानी होती है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ समुद्र टूर पर जाने का प्लान करता है, क्योंकि यॉट पहुंचाने के बहाने वो घूम कर भी आएंगे। जिसके बाद वो अपने दोस्त मैट, उसकी गर्लफ्रेंड सूजी और मैट की सिस्टर कैट को अपने साथ शामिल करता है और फिर ल्यूक अपने साथी वॉरन के साथ वो सभी अपने टूर के लिए निकल जाते हैं। वो सभी काफी खुश होते हैं और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन्हें एक टापू दिखाई देता है जो कि काफी खूबसूरत होता है। उसकी खूबसूरती इन सभी को काफी पसंद आती है, जिसके बाद वो सभी उस टापू पर जाने का प्लान करते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सभी काफी मजे करते हैं और डाइविंग लगाने लगते हैं और उसी दौरान कैट को एक शार्क दिखा देती है, लेकिन वो काफी छोटी होती है जिस वजह से कैट उसे नजरअंदाज करती है और वो अपने दोस्तों को भी नहीं बताती। अब थोड़ी देर इंजॉय करने के बाद वो सभी टापू पर जाकर आराम करने लगते हैं, लेकिन तभी वॉरेन उन्हें आवाज लगाकर कहता है कि उनकी बोट एक चट्टान से अटक गई है। जिसके बाद वो सभी मिलकर अपनी बोट को वहाँ से निकालते हैं और अपने सफर के लिए आगे निकल जाते हैं। अब समुंदर काफी बड़ा था और दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद रात हो जाती है और फिर अगली सुबह ल्यूक खाने का कुछ सामान लेने के लिए बोट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उनके बोट में धीरे धीरे पानी भर रहा है। दरअसल उनकी बोट एक चट्टान से टकरा गई होती है, जिस वजह से उनकी बोट अब पलट जाती है। अब वो सभी काफी घबरा जाते हैं और मैट बोट के अंदर ही फंस जाता है, तो ल्यूक उसकी मदद करता है और उस बोट का डोर ओपन कर वो मैट को बाहर निकाल लेता है। अब वो सभी उस उल्टी बोट को सीधा करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोट सीधी नहीं होती, जिसके बाद वो उसी बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो अपने आसपास देखते हैं, लेकिन दूर दूर तक पानी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके कुछ देर बाद ल्यूक को वहाँ पर एक शार्क जैसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसके दोस्त पहले से ही डरे हुए हैं और वो उन्हें ये बताकर और भी ज्यादा भयभीत नहीं करना चाहता। वो उसके दोस्तों से कहता है कि हमें उस टापू पर तैर कर चले जाना चाहिए, क्योंकि दूर दूर तक हमें कोई भी बोट दिखाई नहीं दे रही और हमें ये भी नहीं पता कि अगली बोट यहाँ पर कब आएगी। तो सूजी उसे पूछती है कि वो टापू यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, तो ल्यूक उसे बोलता है कि तकरीबन 12 मील दूर। 12 मील की दूरी तय करना और वो भी तैर कर, ये कोई आसान काम नहीं है। तो वॉरेन ल्यूक से कहता है कि क्यों ना हम अपने रेडियो से किसी से संपर्क करें। तो उस पर ल्यूक बोलता है कि हमारे रेडियो का मॉडल काफी पुराना है, जिस वजह से वो काम भी नहीं करेगा और हमारे पास खाना भी नहीं है, जिस वजह से हम यहाँ पर रुक भी नहीं सकते, तो हमें उस टापू पर किसी भी हालत में जाना ही होगा। अब सभी लोग उस टापू पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन वॉरेन पानी में उतरने से मना करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस पानी में काफी शार्क है। और फिर शार्क का नाम सुनते ही कैट भी पानी में उतरने से मना करती है, लेकिन उसे उसके दोस्त काफी समझाते हैं और फिर उसका हौसला बढ़ाकर वो सभी उस टापू की ओर चल देते हैं और सिर्फ वॉरेन ही पीछे रह जाता है। अब कुछ देर का फासला तय करने के बाद सूजी को पानी में कुछ नजर आता है जो उनके चारों ओर घूम रहा होता है। सूजी अपने दोस्तों को भी बताती है, जिसके बाद वो सभी एक जगह रुक जाते हैं और उस काले साये को देखने लगते हैं, लेकिन अब वो काला साया भी अचानक से गायब हो जाता है। तो ल्यूक उसे देखने के लिए पानी के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो सभी फिर से आगे जाने लगते हैं और फिर थोड़ी ही देरी पर उन्हें एक टर्टल दिखाई देता है, जिसका सर किसी ने काट कर खा लिया होता है। वो सभी उस टर्टल को देख कर काफी घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतने बड़े टर्टल को किसने मारा होगा, लेकिन वो समझ जाते हैं कि इसे किसी शार्क ने या फिर किसी बड़ी मछली ने मारा होगा। और फिर वो उससे डर कर वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ थोड़ी ही आगे जाने के बाद सूजी को फिर से वो काला साया दिखाई देता है, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाती है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि उसे पानी में एक बहुत ही बड़ा काला साया दिखाई दिया है, लेकिन उसके दोस्त उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम खामखा डर रही हो। वो सब अपने आसपास भी देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ल्यूक पानी के अंदर जाकर देखता है तो उसे एक शार्क दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो सभी काफी डर जाते हैं और धीरे धीरे वो शार्क इनकी ओर आने लगती है और उनकी चारों ओर मंडराने लगती है। जिसके कुछ देर बाद वो सूजी के पास से होकर चली जाती है, जिस वजह से सूजी का सर्फिंग बोर्ड उसे छूट जाता है। तो मैट उस सर्फिंग बोर्ड को लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उसे लेकर आने लगता है तो तभी वो शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके पैर को अपने मुंह में दबोच लेती है, जिस वजह से हमें पानी में खूनी खून दिखाई देता है। और फिर वो शार्क उसके पैर को घायल कर वहाँ से चली जाती है। अब मैट अपने दोस्तों से कहता है कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ, वरना वो शार्क तुम्हें भी मार देगी। वो सब मैट को ऐसा छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास दूसरा और भी कोई रास्ता नहीं होता, जिस वजह से वो मैट को वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं और फिर वो शार्क मैट को अपने साथ पानी में लेकर चली जाती है। अब धीरे धीरे समुद्र में अंधेरा छाने लगता है और वो शार्क इनके आसपास ही मंडरा रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद वो शार्क वहाँ से
चली जाती है। अब वो सभी जैसे तैसे कर ये रात बिता लेते हैं और अगली सुबह कैट को वो टापू दिखा देता है, जिसके बाद वो सभी उस टापू की ओर बढ़ने लगते हैं। अब थोड़ी ही आगे जाने के बाद वो शार्क इन्हें फिर से दिखा देती है और वो सूजी के ऊपर हमला कर देती है और फिर वो उसके शरीर को कई हिस्सों में फाड़ देती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और अपने दोस्त की मौत पर काफी दुखी होते हैं। वो दोनों खुद को बचाने के लिए टापू की ओर काफी तेजी से जाने लगते हैं और शार्क भी उनका पीछा कर रही होती है। अब वो दोनों काफी मुश्किलों के बाद उस टापू के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर चढ़ नहीं पाते क्योंकि उस टापू की चट्टानें एकदम सीधी थी। वो दोनों उसके ऊपर चढ़ने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन उनके हाथ बार बार फिसलने की वजह से वो ऊपर चढ़ नहीं पाते और वो शार्क भी उनके पास आ रही होती है। अब लिप जैसे तैसे कर कैट को उस टापू पर चढ़ा देता है और फिर वो शार्क वहाँ आकर लिप के ऊपर हमला कर देती है। कैट उसे अपना हाथ देकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शार्क लिप को भी अपने साथ पानी में ले जाती है और इसी तरह उसकी भी मौत हो जाती है। अब मूवी के आखिर में कैट जिंदा बच पाती है और वो काफी रो रही